समुद्र, जिसे देखकर किस इंसान को कौतूहल नहीं होता, लेकिन आपने कभी सोचा है इसके तल में क्या है? अगर जवाब है नहीं, तो जरा सोचिए, आप एक पनडुब्बी में बैठे और निकल पड़े समुद्र के सफर की तरफ। इस सफर में आपको क्या क्या दिखेगा, वैसे ही एक सफर पर आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ले जाने वाले हैं। हमारी पृथ्वी पर मौजूद समुद्र कितना गहरा है और इसके अंदर क्या क्या राज छुपे हैं, शायद दुनिया में कोई ही जानता होगा। मानव सभ्यता के पास समुद्र की गहराइयों के बारे में 5% से ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। पृथ्वी पर मौजूद समुद्र को अभी मानव सभ्यता के द्वारा 95% जानना बाकी है। इसी के तहत भारत अगले साल अपना समुद्रयान मिशन भी भेजने वाला है, लेकिन आज इस वीडियो में हम समुद्रयान मिशन के बारे में नहीं, समुद्र की गहराइयों में क्या राज छुपे हैं उसके बारे में बात करेंगे और आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि समुद्र कितना गहरा है और हम कितनी गहराई पर जाएंगे तो हमें कैसा अनुभव होगा और वहां क्या क्या दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने समुद्र की गहराइयों में उतरने के सफर को। समुद्र के अंदर जाने के लिए हमें एक पनडुब्बी की आवश्यकता होगी, वो भी ऐसी पनडुब्बी जो इतनी एडवांस हो जो कि हमें समुद्र के तल तक ले जा सके। आज तक ऐसी पनडुब्बी का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन हम अनुमान लगा लेते हैं हमने ऐसी पनडुब्बी बना ली। हम पनडुब्बी में बैठे और निकल पड़े समुद्र के सफर पर। सबसे पहले हम पहुंचेंगे समुद्र के सरफेस से 3-4 फीट नीचे। 3-4 फीट नीचे उतरते ही आपको स्विमर नजर आएंगे, लेकिन हमें यही नहीं रुकना, क्योंकि इन सब की तो वीडियो हम पहले भी देख चुके हैं। अब सरफेस से बढ़ते हैं और आगे। जैसे ही आप समुद्र में लगभग 24 मीटर तक पहुंचेंगे, आप हैरान होने लग जाएंगे, क्योंकि यहां से समुद्र की ऐसी दुनिया शुरू होती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हालांकि स्कूबा डाइवर्स यहां भी आपको दिख जाएंगे। स्कूबा डाइवर्स तकरीबन 40 मीटर तक ही जाना अलाउड है। आइए अब अपने सफर को और आगे बढ़ाते हैं। कुछ मिनटों के बाद अब हम 200 फीट यानी 60 मीटर की गहराई पर ऑर्का डेप्थ पर पहुंच चुके हैं। यहां पर आपको दिखेंगी ऑर्का व्हेल, कोई इसे आर्का तो कोई किलर व्हेल के नाम से जानता है। ये मछली डॉल्फिन और व्हेल की प्रजाति की ही होती है, लेकिन शिकार के मामले में ये किसी तेज दांत वाली शार्क से भी ज्यादा खतरनाक होती है। किलर व्हेलों को समुद्र का भेड़िया भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी भेड़ियों के जैसे झुंड में शिकार करती हैं। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं अपने सफर पर और हम पहुंच गए हैं समुद्र में 230 फीट नीचे यानी लगभग 70 मीटर की गहराई पर। यहां पहुंचते ही आपको सबसे पहले दिखेगी एक और व्हेल, जिसे हम व्हेल शार्क कहते हैं। व्हेल शार्क लगभग 60 टन की होती है। शार्क्स लगभग 130 साल तक जी सकती हैं और अगर आपको उनसे मिलना है तो लगभग 200 फीट तक आना ही पड़ेगा। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं अपने सफर पर और हम पहुंच गए हैं समुद्र में 240 फीट नीचे यानी 73 मीटर की गहराई में। यहां तक आप इतनी गहराई में हैं कि एक कुतुब मीनार आसानी से डूब जाए। अगर आप अभी सोच रहे हैं तो ये बहुत गहराई हो गई, तो सच तो ये है कि अभी तो सफर शुरू हुआ है। समुद्र का असली चेहरा तो अब देखने को मिलेगा। कुछ मिनटों के सफर के बाद हम पहुंच जाएंगे लगभग 400 फीट नीचे यानी 121 मीटर की गहराई में। यहां पहुंचते ही एक विशाल और भयानक दोस्त आपका इंतजार कर रहा होगा,
ये दोस्त है जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस इतना बड़ा और खतरनाक होता है, जब आप इन्हें देखेंगे तो आपका दिमाग सन्न रह जाएगा। जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस की लंबाई लगभग 20 फीट और वजन 75 किलो तक होता है। सोचो इतना बड़ा और भारी ऑक्टोपस जब आपके सामने होगा तो किसका दिमाग सन्न ना पड़ जाए। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं अपने सफर पर और हम पहुंच गए हैं समुद्र में 500 फीट नीचे यानी 152 मीटर की गहराई में। यहां पहुंचते ही हम देखेंगे सूरज की रोशनी गायब हो चुकी है। हमारे आसपास जो उजाला था वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। दरअसल यहां तक सूरज की केवल 1% रोशनी आ पाती है और बाकी रोशनी सरफेस पर ही अवशोषित कर ली जाती है। यहां से सफर अब अंधेरे में होगा। अब और नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम पहुंच गए हैं समुद्र में तकरीबन 700 फीट नीचे यानी 213 मीटर की गहराई में। यहां पहुंचते ही हमें और फिश दिखाई देंगी। 36 फुट तक लंबी ये फिश इस लेवल पर मिलने वाली सबसे खतरनाक फिश है। कई बार ये फिश समुद्र के सरफेस तक भी चली जाती है। अब तेजी से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं 980 फीट यानी लगभग 300 मीटर की गहराई में। यहां पर वैसे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप थोड़ा उजाला करके देखेंगे तो आपको ये अजीब से क्रिएचर्स नजर आएंगे और इसे हम बोलते हैं जापानीज स्पाइडर क्रैब यानी 12 फीट जितना बड़ा केकड़ा। जापानी मकड़ी केकड़े की लंबाई 12 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 41 पाउंड तक हो सकता है। किंग केकड़े आमतौर पर औसतन 6 से 10 पाउंड के बीच होते हैं, हालांकि कुछ किंग केकड़ों का वजन 20 पाउंड तक होता है। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं अपने सफर पर और हम पहुंच गए हैं समुद्र में 1600 फीट नीचे यानी 487 मीटर की गहराई में। यहां पहुंचने पर हम देखेंगे फिर से ब्लू व्हेल। दरअसल व्हेल यहीं तक आती जाती रहती हैं। यहां पर हम इनको गुड बाय बोलते हुए चलिए अब और गहराई में आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं 1970 फीट यानी 600 मीटर की गहराई में और यहां से शुरू होता है डीप सी चैनल। अरे ये आवाजें कैसी आने लगी, ध्यान से सुनिए इन आवाजों को। ये आवाजें व्हेल्स द्वारा निकाली जा रही है ताकि वो अपने दोस्तों से बात कर सके। आपको बता दें डीप सी में ये साउंड मीलों दूर तक भी खत्म नहीं होती। अब इन सब को छोड़कर बढ़ते हैं और गहराई की तरफ। अब 880 मीटर यानी 2887 फीट की गहराई पर। यहाँ पर पहुँचने पर ये क्या अंधेरा और भी बढ़ गया है? जी हाँ, समुद्र में इतनी गहराई पर अंधेरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे इंसान समुद्र के बारे में 5% तक जानता है, लेकिन डीप सी चैनल के बारे में 1% भी नहीं जानता। ये चारों तरफ अननोन जीव घूमते रहते हैं। जैसे इसे देखिए, ये है जायंट स्क्विड। ये 900 मीटर की गहराई पर मिलती है। ऐसे ऐसे आपको काफी जीव यहाँ घूमते दिख जाएंगे जिनके बारे में आपने कहीं नहीं सुना होगा। अब इनको छोड़ते हुए हम और आगे बढ़ते हैं 1 किलोमीटर की गहराई पर। अगर आप यहाँ बिना पनडुब्बी के आए तो आपकी मौत तय है, क्योंकि यहाँ प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। यहाँ आपकी मौत बिना किसी दर्द के फटकर हो जाएगी। अब तेजी से आगे बढ़ते हैं 1 किलोमीटर 250 मीटर यानी 1250 मीटर की गहराई पर पहुँचने पर हमें लगता है कि यहाँ पर कोई भी जीव नजर नहीं आएगा। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो ग्रेट व्हाइट शार्क मौजूद है। ये शार्क देख नहीं सकती, लेकिन हर समय ये खुशबू से अपने शिकार का पीछा करती रहती है। चलिए अब तेजी से आगे बढ़ते हैं और गहराई में। अब हम आ गए हैं 4000 फीट यानी 1220 मीटर की गहराई पर। यहाँ पर पहुँचने पर आपका सामना होगा दुनिया के सबसे बड़े कछुए से। ये है लेदर बैक
दुनिया के सबसे बड़े और भयानक कछुए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, लगभग 6000 फीट यानी 1828 मीटर की गहराई में पहुंचने पर यहाँ कोई जीव नहीं है और ना ही हमारे पास वापस लौटने के बहुत ज्यादा मौके हैं। लेकिन आप इसे देखिए, इसे देखने पर आप डर जाएंगे। ये है 2000 मीटर यानी 6561 फीट की गहराई पर ट्रेवल करने वाली ब्लैक ड्रैगन फिश। इसे देखने के बाद आपको लगेगा कि ये किसी डरावनी फिल्म से आई है। लेकिन अब बढ़ते हैं और आगे। तकरीबन 2500 मीटर की गहराई पर पहुंचने के बाद यहां से हमको स्पर्म व्हेल दिखना बंद हो जाएगी। जी हां, स्पर्म व्हेल वो इसी लेवल तक डाइव कर सकती है, हालांकि उनका इतनी नीचे आने का कोई खास मकसद नहीं होता। समुद्र में और गहराई में जाते हुए हम तकरीबन 4000 मीटर की गहराई तक पहुंच चुके हैं। ये दुनिया भर के किसी भी समुद्र की औसतन गहराई है। यहाँ से नीचे बहुत ही कम बार जाया जा चुका है। यहाँ से नीचे के जीवों के बारे में इंसानों को बहुत ही कम पता है, लेकिन हम है ना, हम आपको दिखाएंगे। अब देखिए, आपको यहाँ दिखेगी एंगलर फिश। ये भी आपको लगेगी कि ये किसी हॉरर मूवी से उठाई हुई लगती है। अब यहाँ से और नीचे बढ़ते हुए यानी के लगभग 5000 मीटर की गहराई पर हमें मिलती है द ब्लैक स्वेलोअर। इसका नाम ब्लैक स्वेलोअर इसलिए है क्योंकि ये अपने से दुगने आकार के शिकारी को भी आसानी से हजम कर सकती है। अब यहाँ से नीचे जाने पर हमें मिलेगा जहाजों का कबाड़। हाल में हादसे का शिकार हुई टाइटन पनडुब्बी इतनी गहराई पर थी। यहाँ इन लोगों की मौत पनडुब्बी के फटने से हुई थी। इन अरबपतियों को पता भी नहीं लगा होगा और कुछ सेकंड में बिना दर्द के ये गुब्बारे की तरह फट गए होंगे। आपको बता दें, केवल टाइटैनिक जहाज का मलबा ही समुद्र में मौजूद नहीं है, इसके अलावा हजारों सालों में अब तक पता नहीं कितने जहाज समुद्र की गहराई में समा चुके हैं। इंटर गवर्नमेंटल ओशनग्राफिक कमीशन अनुमान लगाता है कि समुद्र के तल पर 3 मिलियन से भी ज्यादा जहाजों का मलबा जमा होगा और ऐसे ही बहुत सारे जहाज आपको यहाँ पड़े दिखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम पहुँच चुके हैं 6000 मीटर की गहराई में और यहाँ देखेगी जेलीफिश। ये बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन इसके दिखने पर मत जाना। जेलीफिश इतनी घातक होती है कि उसके छूने मात्र से सीधे नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा यहाँ पफर फिश भी है जो 30 इंसानों को मिनटों में मार सकती है। इनके जहर की अब तक कोई काट नहीं मिल सकी। यहाँ तक ही भारत के 3 लोग समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 पनडुब्बी में बैठकर जाएंगे। अब 6000 मीटर की गहराई पार करने के बाद हम समुद्र के उस डरावने हिस्से में आ चुके हैं जिसे मारियाना ट्रेंच कहा जाता है। यहाँ से और भी आगे जाने पर लगभग 7900 मीटर की गहराई पर हमें मिलती है दुनिया की सबसे गहराई में पाई जाने वाली फिश। ये है स्नेल फिश। ये हैरानी की बात है, ये फिश इतनी ज्यादा गहराई में और इतने प्रेशर के साथ कैसे रह लेती है। ये फिश भी देखिए काफी ज्यादा खूबसूरत है। वैसे अब हम आ चुके हैं मारियाना ट्रेंच की गहराई में जिसे कहा जाता है चैलेंजर डीप। ये लगभग 10500 मीटर की गहराई पर मौजूद है और आपको यहाँ पर चारों तरफ पानी का प्रेशर महसूस होगा। वैसे तो ये समुद्र की सबसे गहरी जगह है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग आ चुके हैं, लेकिन आज तक इंसानों ने ये नहीं देखा है कि आखिर मारियाना ट्रेंच की गहराई में क्या है और इस लेवल से नीचे इंसान कभी गए ही नहीं। हालांकि यहाँ असल खतरा वो सी एनिमल्स हैं जिनसे अब तक हमारा आमना सामना नहीं हुआ। यहाँ गहराई इतनी ज्यादा है कि बिल्कुल अंधेरा है। चैलेंजर डीप का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से
कुछ ही कम होता है। इस जगह जाने के बाद भी लोगों को ये पता नहीं लग सका कि यहाँ जीवन है या नहीं। यहाँ पर दबाव 15,000 pounds प्रति वर्ग इंच है। ये धरती पर दबाव से 1,000 गुना से भी ज्यादा है। आसान तरीके से इसे यूं भी समझ सकते हैं कि अगर किसी शख्स पर एक बार में 50 जंबो जेट्स का वजन पड़ जाए, तब जो प्रेशर बनेगा वो प्रेशर चैलेंजर डीप के हर इंच में है, और इस लेवल से नीचे इंसान कभी गए ही नहीं। वैसे समुद्र की 10,500 मीटर की गहराई में आना भी एक बड़ी अचीवमेंट है। आपको हमारी ये जानकारियों से भरी समुद्री यात्रा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।